हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच हमीरपुर इकाई की बैठक का आयोजन बस स्टैंड हमीरपुर में किया गया। बैठक में सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने भाग लिया। बैठक में नई कार्यकारिणी के चुनाव भी आयोजित किए गए, जिसमें सर्वसम्मति से अजमेर ठाकुर को तीसरी बार जिला अध्यक्ष बनाया गया। नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष अजमेर ठाकुर ने बताया कि हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच हमीरपुर इकाई की कार्यकारिणी के चुनाव आज करवाए गए, जिसमें सर्वसम्मति से उन्हें अध्यक्ष के अलावा अन्य पदाधिकारियों को चुना गया। उन्होंने बताया कि ये कार्यकारिणी 3 साल के लिए गठित की गई है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों से आग्रह किया कि जो जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है, उनका वे बखूबी अपना निर्वहन करें, ताकि कर्मचारी कल्याणकारी योजनाओं को अमलीजामा पहनाया जा सके। उन्होंने कार्यकारिणी का गठन जिस उद्देश्य से किया गया है, उसे सार्थक होने की बात भी की। आपको बता दें कि हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच हमीरपुर इकाई अपने अधिकारों को लेकर सरकार के समक्ष हमेशा ही आवाज उठाती नजर आई है, और कार्यकारिणी का गठन भी अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए और उनका समाधान निकालने के लिए किया गया है, ताकि कर्मचारियों और पेंशनरों को समस्याओं का सामना ना करना पड़े। आज हमारे जो हमीरपुर जिला की इकाई परिवहन सेवा कर्मचारी कल्याण मंच की थी, उसका 3 साल का कार्यकाल दिसंबर माह में पूरा हो चुका है। तो आज इसके चुनाव जो है 7 जनवरी को रखे गए थे और 7 जनवरी को इसके चुनाव आज करवाए गए हैं, जिसकी अध्यक्षता जो है हमारे श्री ओम प्रकाश जी प्रदेश उपाध्यक्ष और हमारे श्री नंदलाल जी प्रदेश सचिव, इनकी अध्यक्षता में चुनाव हुए हैं। और नंदलाल जी हमारे चुनाव प्रभारी रहे हैं और चुनाव के अध्यक्ष जो है श्री ओम प्रकाश जी रहे हैं, इनके अध्यक्षता में चुनाव करवाए गए हैं। तो सर्वसम्मति से चुनाव हुए हैं। चुनाव में हमारे चुनाव नहीं होते हैं, ये तो एक काम दिया जाता है, ड्यूटियाँ बांटी जाती हैं। काम दिया जाता है कि कौन आदमी काम कर सकता है, कौन आदमी बाहर जा सकता है, दौड़ सकता है, क्योंकि इस उम्र के पड़ाव में सबके बस की बात नहीं है, सब बाहर नहीं जा सकते हैं, बीमारियों से ग्रस्त हैं लोग, कई बातें हैं। तो इसलिए आज का जो चुनाव है वो सर्वसम्मति से हुआ, जिसकी सारी सूची जो है आपको दे दी जाएगी और इसका प्रेस नोट भी दिया जाएगा। बाकी हमारी जो पेंशन संबंधी समस्या है उसके बारे में भी चर्चा हुई और विस्तार से चर्चा हुई। हमारे आज शिमला में प्रदेश कार्य समिति जो है वो माननीय मुख्यमंत्री से बैठक करने गए हैं और वहाँ पर इन मांगों को 4 तारीख को रखा गया था। 2 दौर में हमारी प्रदेश कार्य समिति की बैठक जो माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई, उन्होंने वित्त सचिव और प्रधान सचिव के को आदेश दिए कि आज 7 तारीख को जो है इनकी बैठक ली जाए, क्योंकि इनकी समस्या गंभीर है। करोड़ों रुपया जो देनदारियाँ हैं वो HRDC के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सरकार के पास लंबित हैं, जिसका अभी 6ठे वेतन आयोग की सिफारिश है। हमारी मांग यही रही है कि आज भी यही वही मांग है कि हमारे जो 6ठा वेतन आयोग है वो राज्य कर्मचारियों की तर्ज पर, जैसे सरकार ने घोषणा की है कि 1 फरवरी को जनवरी पेड फरवरी में दिया जाएगा, तो हमारी भी यही मांग रहेगी कि हमारी जो वेतन आयोग की सिफारिश है उन्हें भी आज जनवरी से लागू करके फरवरी की सैलरी के साथ पेंशन के साथ दिया जाए।